हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूनिक ट्यूब्स यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग, आ गए हैं फिर से नए वीडियो लेकर। और इस वाली वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास रियलमी का या ओप्पो का फ़ोन है और उसमें आपका फ़ोन साइज स्मॉल या लार्ज हो गया है, मतलब डिफ़ॉल्ट नहीं है, अगर वो सेटिंग आपका गड़बड़ा गया है, तो सेटिंग में जाकर कैसे आप उसको अपने फ़ोन साइज का डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका सेटिंग जो होगा वो आपको बताने वाले हैं और करके भी दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको चलना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स में। चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना होगा। चलिए हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का एक ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको करना है इस पर क्लिक। चलिए हम करते हैं इस पर क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको फॉन्ट का। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग फॉन्ट का, और जस्ट उसके नीचे में आपको यहाँ पे ऑप्शन है फॉन्ट साइज का। ठीक है, तो आपको चलना है फॉन्ट साइज पे क्लिक करना है। चलिए हम करते हैं इस पर क्लिक। फ़ोन साइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी आप लिखेंगे, टाइपिंग करेंगे या सर्च करेंगे, तो उसमें आपका इस तरह का ऑप्शन दिखेगा कि ये मेरा स्मॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो गोल वाला दिख रहा है ब्लू टाइप का, आपको क्या करना है, इसको पकड़ना है और इसको पकड़ कर यहाँ से खींचना है। ठीक है, खींचने के बाद आपको जहाँ पे भी ले जाना है, मीडियम या लार्ज या एक्स्ट्रा पर, आपको जिस साइड में होगा आप उस साइड खींच कर ले आइए इसको, और यहाँ पे डिफॉल्ट पे रख दीजिए। डिफॉल्ट जैसे ही छोड़ दीजिएगा तो ये आपका सेटिंग डिफॉल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना जो फॉन्ट साइज है उसको स्मॉल से डिफॉल्ट पे या मीडियम लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज से आप अपना डिफॉल्ट पे सेट कर लीजिए। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब के लिए धन्यवाद।